300 लीटर कैपेसिटी का ये हीट पंप है अल्ट्रॉन नामक कंपनी का, और इसके साथ एक इंस्टेंट गीजर लगाया हुआ है थ्री फेस का, जो 9 से 12 किलोवाट का है। ये थ्री फेस का गीजर है, लेकिन इसके बावजूद क्लाइंट को गर्म पानी नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग में गर्म पानी जितना इनको चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसका क्या कारण है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि ये कंपनी गलत है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, अच्छी कंपनी है। इस हीट पंप का स्टोरेज कम है और बार बार सर्कुलेशन होने के कारण स्टोरेज ठंडा हो जाता है, उसके लिए ये इंस्टेंट गीजर लगाया गया है, ताकि जो इंस्टेंट गीजर रिटर्न पानी आए वो गर्म कर करके टैंक में रखे, जिससे कस्टमर का बिजली का बिल बढ़ रहा है और कस्टमर एक गर्म पानी और बिजली बिल दोनों से परेशान है। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो में देखा कि ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका हीट पंप लगा हुआ है 300 लीटर का, लेकिन फिर भी कस्टमर जो है उनको सेटिस्फैक्ट्री हॉट वाटर नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये हीट पंप खराब है? तो मैं आपको कहूंगा ये हीट पंप अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, हीट पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दिक्कत यह है कि इस हीट पंप का स्टोरेज कम है। जितना इस बिल्डिंग में स्टोरेज चाहिए था उतना इसके अंदर हॉट वाटर होता नहीं है। 300 लीटर है और 300 लीटर में ये बिल्डिंग चलेगी नहीं। हॉट वाटर यूज करने वाले मेंबर इस घर में हैं, वो तकरीबन 8 हैं, बाथरूम इसके अंदर 6 है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये पानी सर्कुलेट हो रहा है। बिल्डिंग के अंदर रिसर्कुलेशन सिस्टम है, जिसके कारण बार बार पानी हीट पंप का ठंडा हो जाता है और कस्टमर को मिलता नहीं। तो यहां बात आती है कि क्या रिसर्कुलेशन को हटा दिया जाए और इस समस्या से निजात पा ली जाए। तो जैसे ही आप रिसर्कुलेशन को आप बंद करेंगे तो आपको सबसे पहले 4-5 बाल्टी पानी फेंकना पड़ेगा या 3-4 बाल्टी फेंकना पड़ेगा, फिर जाकर के हॉट वाटर आएगी। समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज करनी होगी, इसके स्टोरेज को बढ़ाना होगा। अभी आप देखिए, मैंने ये वाला हीट पंप लगाया है, इसकी कैपेसिटी जो है 1000 लीटर है और हीट पंप के हीटिंग कैपेसिटी जो है 450 लीटर पर आवर है। जैसे ही हमने ये सिस्टम इस बिल्डिंग में इंस्टॉल किया, कस्टमर को गर्म पानी मिलना शुरू हो गया। उसके पीछे रीजन ये है, 1000 लीटर स्टोरेज के अंदर जब रिसर्कुलेट होकर के पानी आता है तो टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री डाउन होता है, लेकिन जब यहां पर 300 लीटर का स्टोरेज था और जब वाटर रिसर्कुलेट हो रहा था बिल्डिंग के अंदर तो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर को डाउन कर देता था। तो आप ऐसा समझिए कि एक घंटे में अगर 4 बार रिसर्कुलेशन हो रहा है, ऑन एवरेज अगर 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन करता है तो 40 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जबकि इस सिस्टम में 40 डिग्री अप करने की क्षमता 300 लीटर वाटर की नहीं है। अब 1000 लीटर लगने के कारण उसका टेम्परेचर डाउन होने का रेशियो कम हो गया है और इसके साथ साथ हीट पंप की हीटिंग कैपेसिटी भी अधिक है, तो दोनों मिला करके कस्टमर को गर्म पानी सेटिस्फैक्ट्री 24 आवर कभी भी इनको हॉट वाटर की कमी आपको कभी नहीं होगी। तो अब तक की मुख्य बात की, जब भी आप हॉट वाटर सेंट्रलाइज लेने जा रहे हैं तो अपना स्टोरेज अपने यूजेज से थोड़ा अधिक रखें, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो और आपको दिक्कत ना हो। दूसरी की सेंट्रलाइज में कई सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है, जैसे कि डीजल बॉयलर है, हीट पंप है, सोलर वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिकल गीजर है। इन सब में भी डिफरेंस है। सोलर वाटर हीटर थोड़ा सा स्लो करता है या सर्दी में बिल्कुल नहीं करती, जिस समय सबसे ज़्यादा गर्म पानी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिकल बॉयलर जो होता है उसका एक एवरेज होता है जिसके साथ वो गर्म करती रहती है। डीजल बॉयलर बहुत तेज़ी से पानी को गर्म करती है और हीट पंप की स्लो एनर्जी सेविंग है, इसलिए स्लो हीटिंग इसकी होती है। तो जब भी इन चारों में से कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कैपेसिटी को डिसाइड करें, ब्रांड को देख करके नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशन और आप अपने यूजेज को दोनों देख करके उसको मैच करें फिर परचेज करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।